उधर चंडीगढ़ विच पीजीआई दे डायरेक्टर दफ्तर दे बाहर सुरक्षा गार्ड ने प्रदर्शन किया है ते सुरक्षा गार्ड दा इल्जाम है कि उन्हां दे इक साथी दे नाल कुटमार हुई है ते कुटमार करन वाला पुलिस दा इक कर्मचारी है जिसनू पीजीआई प्रशासन जड़ा है बचाउण दी पूरी कोशिश कर रहा है ते सिक्योरिटी गार्ड्स ने मांग की है कि मुलजम दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि मामले दे विच खुद पुलिस चौकी दे इंचार्ज ने आके खेद जताया है ते मुलजम दे खिलाफ कार्रवाई करन दी गल आखी है। चंडीगढ़ के पीजीआई के डायरेक्टर दफ्तर के बाहर सुरक्षा गार्ड्स के वलों प्रदर्शन किया गया। तस्वीर तुम देख सकते हो, सुरक्षा गार्ड का इल्जाम है कि उन्होंने एक साथी के नाल पुलिस वालों कुटमार की गई सी। कुटमार करने वाला पुलिस का एक कर्मचारी है जिसनों पीजीआई प्रशासन के वलों बचाने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी गार्ड्स के वलों हुण तुम देख सकते हो प्रदर्शन किया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स की मांग है कि मुलजम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि मामले तो बाद खुद पुलिस चौकी के इंचार्ज ने आके खेद जताया है ते नाल ही मुलजम के खिलाफ जड़ी है कार्रवाई करन दी गल भी आखी है। चंडीगढ़ के पीजीआई के डायरेक्टर दफ्तर के बाहर सुरक्षा गार्ड्स ने प्रदर्शन किया है। तस्वीर तुम देख सकते हो, सुरक्षा गार्ड्स का इल्जाम है कि उन्होंने साथी नाल कुटमार हुई है जिस तो बाद उन्होंने रोस सामने आया जिस तो नाल ही उन्होंने वालों प्रदर्शन जड़ा है किया जा रहा है। उन्होंने वालों घेराव किया गया डायरेक्टर दफ्तर के बाहर ते नाल ही कुटमार करने वाले पुलिस के खिलाफ जड़ी है पुलिसकर्मी के खिलाफ उन्होंने वालों कार्रवाई की गल आखी गई है। तो उन्होंने मांग है कि उन्होंने खिलाफ जड़ी है कुटमार करने वाले शख्स के उत्ते जड़ा है कार्रवाई की जाए। तो सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ जड़ी है उन्होंने नाल जड़ी हुई है मनभागी गल उसके खिलाफ जड़ी है तय तक जांच की जाए। तो हालांकि मामले तो बाद खुद पुलिस चौकी के इंचार्ज भी इस मौके पहुंचे ने तो उन्होंने वालों खेद भी जताया गया है ते नाल ही उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। इंसिडेंट ये था सर, हमारा जो रेगुलर कर्मचारी था भाई विनोद कुमार वो यहाँ ड्यूटी पर कार्यरत था, उसी दौरान एक पुलिस चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी ने यहाँ अनऑथराइज जगह पर गड्डी लगाने की कोशिश की तो हमारे गार्ड ने उससे वर्बली बड़ी विनम्रता से कहा कि सर ये यहाँ इस एरिया में ना लगाइए, आप गड्डी को थोड़ा सा आगे लगा दीजिए। पर उन्होंने उनकी एक नहीं मानी और थोड़ी साइड में गड्डी लगा करके दोबारा से उसको फिर आकर के जो है मारपीट की हमारे गार्ड के साथ। चंडीगढ़ पुलिस का मुलाजम था और चंडीगढ़ पुलिस की ही चौकी जो है हमारी पीजीआई में है, उसके जो कांस्टेबल है जो उसने जो है हमारे सीनियर अधिकारी के साथ गलत व्यवहार किया उसके लिए भी जो है हम खफा हैं। और उन्होंने हमारे साथी के साथ जो मारपीट की है, वर्दी का अपमान किया है, उसके लिए उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उधर खन्ना दे विच नेशनल हाईवे ते शरेआम गुंडागर्दी देखण नूं मिली। इत्थे इक शख्स ते तलवारां नाल हमला किया गया ते गंभीर जख्मी हालात दे विच उसनूं हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया। तो मारुति कंपनी दे शोरूम दे विभाग दे विच मुखी है पीड़ित विशालपुरी। तो विशालपुरी नूं बस स्टैंड छड्डण जा रहा सी साथी जदों कि हमलावरां ने साथी दे उत्ते हमला करन दी कोशिश कीती ते दो बाइक सवार हो के आए सी पंज हमलावर ते पुलिस ने मौका ए वारदात दा जड़ा है जायजा लिया। तो खन्ना दे विच नेशनल हाईवे ते शरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। इत्थे एक शख्स से तलवारा नाल हमला किया गया ते गंभीर रूप दे नाल उसनू जख्मी किया गया जिस तो बाद उसनू हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया। ते मारुति कंपनी दे शोरूम दे विच मुखी वजो काम करता है विशालपुरी जिसके उत्ते जड़ा हमला होया ते बस स्टैंड नू छड्डन जा रहा सी अपने साथी ने जिस दौरान हमलावरां ने साथी ते भी हमला करन दी कोशिश की है। ते दो बाइक सवार जड़े ने आए सी बाइकां ते उत्ते आए सी ते पुलिस ने मौका ए वारदात दा हुण जायजा लै ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਵੀ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੇਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਅਗਾਂਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਰਪਾਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਸੀ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ HOD ਹੈ, ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।